हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम टेलमा इस टेबलेट पर बात करने वाले हैं। टेलमा इस टेबलेट के यूज़ेस क्या हैं, इस टेबलेट की डोज क्या है, इस टेबलेट के साइड इफेक्ट क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो गाइस, टेलमा इस टेबलेट के अंदर आपको दो कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। पहला है इसके अंदर टेलमिसार्टन, जो एक एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है, जो 40 mg की स्ट्रेंथ में इसके अंदर प्रेजेंट है। और दूसरा है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, जो एक डायरियोटिक मेडिसिन है, जो 12.5 mg की स्ट्रेंथ में इसके अंदर है। और टेलमा इस टेबलेट को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, मतलब ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का एक काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है और डॉक्टर भी इस ब्रांड को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करते हैं इस टेबलेट की प्राइस क्या है, तो ये 30 टेबलेट की इसकी स्ट्रिप है, मतलब एक स्ट्रिप के अंदर 30 टेबलेट मिलती है, जिसकी प्राइस है 442 442 रुपये। बात करते हैं इस टेबलेट की यूज़ क्या है, तो दोस्तों डॉक्टर इसे नॉर्मली हाइपरटेंशन में प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। मतलब किसी का अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, या उसे बीपी बढ़ने की बीमारी है, या उसका बीपी 120/80 mmHg से ऊपर जाता है, 130, 140, 150 तक, तो इन सभी कंडीशन में उसका बीपी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं और इसे बीपी में ही ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर किसी पेशेंट का बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, तो उसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलर, स्ट्रोक और किडनी जैसी प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हो सकती है। तो इन सभी कंडीशन से बचने के लिए, इन सभी डिजीज़ से बचने के लिए भी डॉक्टर टेलमा इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करते हैं इस टेबलेट की डोज़ क्या है, तो जो इस टेबलेट का डोज़ होता है, वो पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट का एज, पेशेंट का वेट, पेशेंट का जेंडर और पेशेंट का कितना बीपी बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, किस बीमारी की वजह से बढ़ रहा है, सारी चीज़ें देखने के बाद डॉक्टर टेलमा इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करते हैं इस टेबलेट के साइड इफेक्ट क्या है, तो इस टेबलेट से डिजीनेस आपको हो सकता है, थकान हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नोजी और वोमिटिंग आपको फील हो सकता है, डायरिया और लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम आपके इससे स्टार्ट हो सकती है, कमर में दर्द शुरू हो सकता है, अबडोमिनल पेन शुरू हो सकता है और सीजर जैसी प्रॉब्लम आपको इससे हो सकती है। तो अगर आप इसे साइड इफेक्ट नोटिस करते हैं, इसके अलावा दूसरे साइड इफेक्ट नोटिस करते हैं, तो डॉक्टर के साथ फ़ौरन कंसल्ट करें। बात करते हैं इस टेबलेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब आप इस टेबलेट को किन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको इस टेबलेट से एलर्जी है, टेलमिसार्टन या हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड से आपको किसी भी टाइप की एलर्जी है, तो इस टेबलेट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या अगर आप एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तो उसमें तो भूल कर भी इस टेबलेट को नहीं यूज़ कर सकते हैं। और या लीवर या किडनी प्रॉब्लम है, तो इन सभी कंडीशन में आप इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई इस टेबलेट के बारे में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।